नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर चल रहा था बिग सेवन डेज का सेल, जो कि 8 मई को 12 AM में ये सेल ख़त्म हो गया और उसके बाद एक और सेल स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको डिस्काउंट सिमिलर तरीके से ही देने को मिलता है। तो चलिए आज के सेल पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक भी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर बिग सेवन डेज का जो सेल चल रहा था वो खत्म हो चुका है। हालांकि बिग सेवन डेज का जो सेल था उसमें डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का देने को मिला था और कई सारे ऐसे स्मार्टफोन थे जिस पर डिस्काउंट काफ़ी इम्प्रेसिव टाइप का था और पहली बार था। यहाँ पर जो नया सेल स्टार्ट हुआ है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, इसमें भी सिमिलर टाइप का डिस्काउंट है। यहाँ तक कि बैंक ऑफर को भी सिमिलर ही रखा गया, मतलब जिन जिन स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा था वो सारा स्मार्टफोन पे डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है इस पर स्टार्ट हो चुका है मोबाइल ब्रांजा का सेल, और ये कब तक चलेगा इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है आज रात 12 बजे से। और इसके अंतर्गत भी मिलेगा SBI बैंक के साथ डिस्काउंट, मतलब जो भी डिस्काउंट वगैरह था बिग सेवन डेज के अंदर वो सारा इसके अंतर्गत भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर सेम टाइप के स्मार्टफोन को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो Mi 11i सीरीज हो गया या फिर Realme 9 Pro Plus हो गया, इस पर अभी भी डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है या फिर कहें तो सिमिलर तरीके का ही डिस्काउंट है। मतलब क्या, अगर आपके पास है SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड तो आप इन सब सीरीज के फोनों को काफी सस्ते में बाय कर सकते हो। मतलब जो भी ऑफर था वो सारा ऑफर अभी भी है। अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग डील की बात करें तो यहाँ पर जो Poco M4 Pro 4G और 5G ब्रांड है दोनों पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है, और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से बाय करने पर आप जो है काफी सस्ते में बाय कर पाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन हो गया या फिर Redmi Note 10S स्मार्टफोन हो गया, इन सब स्मार्टफोन पे भी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। और नीचे में आप यहाँ पर देख पा रहे Realme 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन है, इसको भी मेंशन किया गया है कि ये फोन देने को मिलेगा Under 20K में। मतलब जो भी ऑफर था वो अभी भी है। हालांकि बिग सेवन डेज का सेल खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी ऑफर है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पर जो मोबाइल ब्रांजा का सेल है यह आज रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कब तक रहेगा इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप जल्दी में बाय कर सकते हो। उसके बाद नीचे में देखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा Poco M4 Pro 5G ब्रांड जो कि देने को मिलता है 13,000 रुपये में। ये भी फोन इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद iPhone 12 या फिर iPhone 11 या फिर iPhone 13 सीरीज के ऊपर जो डिस्काउंट था वो अभी भी है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। उसके Poco X4 Pro 5G स्मार्टफोन है, इस पर अभी भी काफ़ी अच्छा उनका डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को किस तरीके से अप्लीकेबल करना है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ। उसके बाद नीचे देखेगा, यहाँ पर जो Mi 11i सीरीज है इस पर अभी भी काफ़ी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। आप यहाँ पर देख पाओगे, मैंने यहाँ पर Mi 11i 5G स्मार्टफोन खोल लिया और इसका बेस्ट ब्रांड खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे इस पर अभी भी डिस्काउंट है। मतलब जो भी डिस्काउंट था पहले बिग सेवन डेज के अंदर वो अभी भी डिस्काउंट यहाँ पर है और आप अप्लीकेबल कर पाओगे। डिस्काउंट को किस तरीके से अप्लीकेबल करना है इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता रखा हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो Mi 11i सीरीज है इस पर अभी भी है 5,000 का डिस्काउंट, जिसमें से 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो, और 1,000 का डिस्काउंट है जो कि है प्री पे सेशन का। तो देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बिग सेवन डेज का सेल है वो ख़त्म हो चुका है और स्टार्ट हुआ है मोबाइल ब्रांजा का सेल, और ये आज रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कब तक चलेगा मोबाइल ब्रांजा का सेल इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बैंक ऑफर को भी सिमिलर रखा गया है, और जो भी स्मार्टफोन पर डिस्काउंट था वो सारा डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। तो बस आज के शुरू में बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।